सेक्शन 142 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 142 में साफ साफ लिखा हुआ है, केवल जो फर्स्ट ऑडिटर है, बोर्ड हैज अ पावर टू फिक्स रेमुनरेशन, बोर्ड हैज अ पावर टू फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट. वो इट कहां गया? बोर्ड हैज द पावर, बोर्ड हैज अ पावर, सो बोर्ड में फिक्स द रेमुनरेशन, बोर्ड में फिक्स द, बोर्ड में फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट. दो कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट ऑडिटर होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय इट यानी बोर्ड होना चाहिए, तब बोर्ड फिक्स कर सकता है. इन ऑल द रिमेनिंग केसेस, इन ऑल द रिमेनिंग केसेस से होल्डर्स विल आइदर फिक्स द रेमुनरेशन और डिटरमाइन द मैनर ऑफ फिक्सेशन. या तो शेयर होल्डर लोग खुद फिक्स कर देगा या उन लोग मैनर डिटरमाइन करेगा. मैनर डिटरमाइन करेगा मतलब शेयर होल्डर लोग बीओडी को बोल सकता है क्या? हाँ, मतलब पावर टू फिक्स द रेमुनरेशन लाइज विद शेयर होल्डर. Either they will fix the remuneration or they will determine the manner of fixing. वापस से सुनना चाहोगे एक बार? Yes. First auditor है, appointed by board है, तब board fix करेगा. In all the remaining cases, shareholder. पक्का? इसको भेजानो. बहुत बार casual vacancy हो जाता है ना, कैजुअल वैकेंसी कौन फिलअप करता है? बोर्ड. रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा? बोर्ड अपॉइंट किया है. कैजुअल वैकेंसी जो है बोर्ड अपॉइंट किया है, डायरेक्टर रखा है. जिसको लग रहा है रेमुनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा वो हाथ उठो, फुल हैंड. बोर्ड फिक्स करेगा. कौन पहले से सोचा? सर इस बार हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे. अरे कोई केजी का भी बच्चा होगा ना, केजी का, केजी वन टू का बच्चा, उसको ही समझ में आ जाएगा कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब बोर्ड फिक्स करेगा. एक तो फर्स्ट ऑडिटर होना चाहिए और बोर्ड रखना चाहिए, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, तब बोर्ड. इन ऑल द रिमेनिंग केसेस से होल्डर. मक्खन की दर्शन में आ गया है. yes, किंतु सुन लो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अलग है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मेरा अलग है, रेमुनरेशन अलग, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस. सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होता है? मेरा हाथ खर्चा, ऑडिटर का हाथ खर्चा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मेरा हाथ खर्चा. मतलब अब चीज समझो, हम क्लाइंट ऑफिस में सुबह से रात तक ऑडिट कर रहे थे, ये मेरे को लंच करवाया डोसा, लास्ट में हमारा रेमुनरेशन से सारा डोसा का खर्चा काट लेगा? नहीं काट सकता. उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस. वो अलग है, रेमुनरेशन अलग है. आपको वो सब हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट में बात कर लेंगे कंपनी के साथ. यू विल हैव टू प्रोवाइड मी विथ रिफ्रेशमेंट्स. ओके, आपको मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा. श्योर सर. क्या करिएगा? खाना खिलाएंगे. वेरी गुड. घुमाएंगे सर? नहीं. रिफ्रेशमेंट मतलब खाना पीना, समझ आ रहा है? रिफ्रेशमेंट मतलब खाना पीना. तो सुनो, ये मेरे को जो खाना पीना कराएगा हमारा रेमुनरेशन में से काट लेगा, कि रेमुनरेशन अलग है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अलग. और भी अगर ये मेरे से, मान लो ऑडिटर ने इसको कुछ और अदर सर्विसेज भी दिया, ऑडिटर ने अगर कुछ इसको, कौन सा सर? अकाउंटिंग, बुककीपिंग. अरे पगले, तब तो हम ऑडिटर ही नहीं रहेंगे, वो तो 144 वाला हो गया. 144 को छोड़ करके अगर हमने इसको और कुछ सर्विस दिया, हम उसका फीस अलग से चार्ज करेंगे. ठीक है, रेमुनरेशन अलग है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अलग है, कोई और सर्विस का फीस अलग है. मान लो एक क्लाइंट अपना बच्चा को ले आया ऑफिस में, बोला सर आप थोड़ा इसको पढ़ा दिया करिए. नहीं समझा? क्लाइंट ऑफिस में अपना बच्चा ले आता था और बोला सर पढ़ा दिया करिए, उसका फीस हम अलग लेंगे, कि बोला रेमुनरेशन में ही सब गुजार रखे हैं, कि अलग है. चलो देखो, देखिए सेक्शन 142, एकदम बात नहीं. सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्ड दैट द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स विच मीटिंग, बताओ तो?
जनरल मीटिंग मतलब कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर्स. और इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयर इन, और इन सच मैनर एज मे बी, या तो शेयर होल्डर लोग क्या फिक्स कर देगा, रेमुनरेशन या फिर मैनर. फिर आगे देखो, बोर्ड में फिक्स रेमुनरेशन. बोर्ड फिक्स कर सकते हैं रेमुनरेशन ऑफ कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर. पहले बोर्ड को गोला करो, पहले बोर्ड को गोला करो, फिर फर्स्ट ऑडिटर को गोला करो, एंड दैट टू अपॉइंटेड बाय इट. इट को गोला करो. ओ तुम लोग ये इट नहीं पढ़ा था क्या? तुमको दो लाइन पढ़ने बोले थे इसलिए तुम वहीं तक छोड़ दिया था. हाँ झुट्टा लो, इसलिए तुम लोग बोल रहे हैं. खाली लिखा हुआ था बोर्ड में फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटेड बाय इट, नहीं पढ़े थे. तब तुम लोग का भी इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन अपॉइंटेड बाय इट. समझाया? अच्छा, द रेमुनरेशन विल बी इन एडिशन. क्या रेमुनरेशन अलग है? इन एडिशन टू द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी, एंड एनी रेमुनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी. वहां जगह खाली दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा चार्ट बनाइए. बनाते चलिए. ऑडिटर या तो फर्स्ट ऑडिटर होगा या फिर अबे सबसिक्वेंट, एनी अदर ऑडिटर लिख दे रहे हैं अभी सर हम. फिर सबसिक्वेंट फिर कैसे वाले कैंसिल लिखोगे मेरे से? फर्स्ट ऑडिटर एनी अदर ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाई बीओडी, बेसरम रुक जाओ, पहले देख लो एक बार क्या कर रहे हो, नहीं तो पता नहीं ऊपर नीचे क्या लिख दे रहे हो. स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग. यहां देखिए, ऑडिटर या तो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा या फिर क्या रहेगा? देखिए ना, फर्स्ट ऑडिटर या फिर, अब फर्स्ट ऑडिटर क्या लिखे हैं? अपॉइंटेड बाई क्या होगा? अपॉइंटेड बाई बीओडी. फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाई, यही तो एक केस है जब रेमुनरेशन फिक्स बाई. अच्छा, या फिर अपॉइंटेड बाई कौन? शेयरहोल्डर, सीएजी. और भी कोई होता है क्या शेयरहोल्डर, सीएजी, सीजी? इसके अलावा और भी कोई होता है क्या शेयरहोल्डर, सीएजी, सीजी के अलावा? और कुछ होगा क्या? भगवान लिख दे क्या? तो रिमेनिंग सारा केस में रेमुनरेशन कौन फिक्स करने वाला है? कॉपी कॉपी करिए और एक